भूकंप के बाद है ना, वैश्विक रूप से हमने भूकंप का अध्ययन किया, उसके बाद सुनामी का अध्ययन करते हैं। सुनामी के बाद भारत में भूकंप, भूकंप आपदा उसका प्रबंधन, और भारत में भूकंप जोनों का जो वर्गीकरण किया गया था, एक नया वर्गीकरण 2010 में प्रस्तुत किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2010 से पहले 5 भूकंप जोन थे, अब 4 ही रह गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई बार 5 बोल दिया। खैर, जोन 1 समाप्त कर दिया गया है, जोन 5वां है, इसलिए जोन 2 से लेकर जोन 5 तक है। सिस्मिक जोन भी बोलते हैं हम, जो भूकंप जोन होते हैं उन्हें सिस्मिक जोन भी बोलते हैं। तो भूकंप का एक प्रभाव होता है, अगर भूकंप महासागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न हो रहा है तो समुद्र के सतह पर लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। ये लहरें तटों की तरफ चलती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सुनामी एक बहुत ही विनाशकारी लहर होती है। पहले सुनामी का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद भारत के भूकंपी क्षेत्र और आपदा प्रबंधन का थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन विस्तृत रूप में एक अलग खंड के रूप में स्वयं मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि भारत में भूकंप का अध्ययन करेंगे, भारत में कुछ भीषण भूकंप आए हैं, जैसे भुज का भूकंप हो गया, सिक्किम भूकंप, इसके अलावा नेपाल में 2015 भूकंप आया था 25 अप्रैल को, इन सब भूकंप की चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा भारत में भूकंप संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय है, कितना है, लागू किया जाता है कि नहीं किया जाता है, इन सब बातों का थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, जैसे कि अगर मुख्य परीक्षा में भी उत्तर पूछे तो आप उसका भी लिख सकें। क्लियर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुनामी का। हाँ, एक जरूरी बात जो आप लोग मुझसे सुनना चाह रहे होंगे वो मैं बता दूं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे ऑनलाइन जीएस प्री कम मेंस बैच में लोग आए 2020 की आईएएस परीक्षा के लिए। एक बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया हमारे ऑनलाइन बैच में। छात्रों की संख्या विशाल है। वेबसाइट पर कभी कभी कोई टेक्निकल खामी आ जाती है जिससे कि वीडियो नहीं चल पाता है, तो आप लोग इंतजार कर लिया करिए, है ना। वेबसाइट बिल्कुल नया नया है, आपके लिए ही बनाया गया है, तो उस पर थोड़ा वेट कर लिया करिए। हर समस्या पर मेरी नज़र है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियोस को देखने की लिमिट अनलिमिटेड कर दी है। पहले मैंने बताया था कि आप 5 बार देख सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर 2 बार आपने क्लिक किया और वीडियो नहीं चला किसी कारणवश, हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल समस्या हो। टेक्निकल समस्या, जहां टेक्निक है वहां समस्या तो थोड़ा बहुत आएगी। तो अगर नहीं चला तो आप बिल्कुल मत घबराइए, वीडियो को आप कितनी भी बार देखिए, 5 बार कोई समस्या अब नहीं रही, ठीक है। मैंने भी वीडियो प्ले किया, सत्यम त्रिपाठी सर हिस्ट्री 2-2 घंटे पिछले 2 दिन पढ़ाए, 4 तारीख को भी पढ़ाए, 5 तारीख को भी पढ़ाए, आज 6 तारीख है, आज फिर उनका वीडियो गया ही होगा। तो आप लोगों से एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हलचल मत मचाइए, वीडियो वहीं पड़ी रहेंगी, आप जब चाहे तब उसे देखिए। कमेंट बॉक्स भी है, आप उसमें अपनी समस्याएं बता सकते हैं, हमारे काउंसलर्स के नंबर हैं, वहां पे अपनी समस्या बता सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर मैं खुद हूं, अगर यकीन मानिए अगर कोई समस्या है तो मैं पकड़ूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, है ना। एक बात और, जो लोग 4 तारीख के बाद एडमिशन लिए, मैं पहले ही बता दिया कि मैं 4 तारीख के बाद एडमिशन खोल रहा हूं, 4 अगस्त के बाद। लेकिन ऐसे लोगों से मैं पहले ही निवेदन किया था कि आप लोगों को कुशलतापूर्वक 7 या 8 अगस्त तक जोड़ा जाएगा। जब मैंने ये बात बता दी थी तो आपको इंतजार करना चाहिए, आप हिस्ट्री कर चुके हैं, आपको हमारी तरफ से कोई ना कोई रिप्लाई प्राप्त हुआ होगा। अगर जोड़ दिया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन तकनीकी समस्याएं ना उत्पन्न हो इसलिए बाद में एडमिशन लेने वाले सभी लोगों को 7 या 8 अगस्त को जोड़ा जाएगा। शांति बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। एक चीज और कहना चाहूंगा, जिन लोगों के पास इंटरनेट अच्छा है, निसंदेह वो वीडियो को लगातार प्ले कर रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ी सी सावधानी बरतिए आप लोग। जब लॉगिन पासवर्ड मिल गया, आपने कुशलतापूर्वक लॉगिन कर लिया, ठीक है, तो वीडियो को प्ले करते समय अगर बफरिंग कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेटिंग में जाकर वीडियो की साइज को छोटा कर लीजिए थोड़ा। वहां पे होता है ना, किस क्वालिटी में आप देख रहे हैं, बहुत हाई क्वालिटी में मत देखिए, तब थोड़ा सा लो क्वालिटी में देख लीजिए। दूसरी बात, अगर लो क्वालिटी में भी देखने पे नहीं चल रहा है, इसका मतलब यकीन मानिए आपकी नेट में कोई समस्या है। जब आप इतने बड़े मिशन पर निकले हैं, इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बेहतर नेट लगवा लीजिए। एक ऐसा नेट ले लीजिए 3 से 4 महीनों तक का अगले, ताकि बार बार रिचार्ज न कराना पड़े, है ना। मेरी बात को समझिएगा आप लोग, हर बात पर विवाद करना ठीक नहीं है। मैंने भी, आपने फीस पे की तो मैंने भी, चीजें सकुशल चले इसके लिए संसाधन काफी खर्च किए। मेरी खुद सदिच्छा है कि कहीं से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। शुरुआती 1-2 दिनों में अगर छोटी छोटी कोई बात आएगी तो पहली जिम्मेदारी मेरी है, उसे सॉल्व करना मेरा काम है।
उम्मीद है आज का वीडियो आप रन करा रहे होंगे और पिछला वीडियो भी आप देख रहे होंगे वेबसाइट पे। सत्यम त्रिपाठी जी का पूरा प्रयास है कि वो पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक इस स्तर पर पढ़ाएं ताकि आप आईएएस परीक्षा के लिए तैयारी कर सकें। मैंने उन्हें पहले निर्देश दिया है और वो स्वयं बहुत ही अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं। सत्यम त्रिपाठी जी से पढ़ने का अनुभव लेते रहिए, ठीक है। हाँ, मैंने जैसा कि रिक्वेस्ट किया, कृपया अगर कोई तकनीकी समस्या है तो धैर्य को धारण करिए। वो समस्या अगर इक्का दुक्का लोगों के पास होगी भी तो उसे सॉल्व करने के लिए 24 घंटे में नज़र रखे हुए हूँ। बहुत से लोगों की समस्या है कि सर काउंसलर फ़ोन नहीं उठाती हैं, कैसे उठाएंगी, इतने ज़्यादा कॉल आते हैं। वो भी इंसान है, 9 बजे आती हैं, रात शाम 7 बजे तक यहीं बैठी रहती हैं, इतने कॉल्स आते हैं, इतने उसमें से बहुत से लोग नासमझ होते हैं, अब शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं, सार्वजनिक जीवन में झेलना पड़ता है। तो भरोसा रखिए, सब सही हो जाएगा। हाँ, फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहिएगा। रात 8 बजे के बाद आपके कमेंट का रिप्लाई संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन सुबह 9 बजे के बाद आपके कमेंट का रिप्लाई शुरू हो जाएगा। हमारे प्रतिनिधि आपसे बात करेंगे। एक बात और कहूँगा, जब आप कमेंट छोड़ते हैं उसमें अपनी समस्या बताते हैं तो अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया करिए, ये जरूरी है। अगर आप उसमें अपना मोबाइल नंबर नहीं बताएंगे तो हम आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग बड़ी बड़ी समस्याएं लिख देंगे लेकिन खुद से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं देंगे, ये गलत है। हाँ, मैं मानता हूँ जो महिला सदस्य हैं चैनल में, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अपना नंबर सार्वजनिक नहीं कर सकती, मैं इसका सलाह भी नहीं दूंगा, लेकिन उन लोग से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया इंतजार करें, हमारे काउंसलर्स को बार बार कॉल करें, ठीक है। एक बात और कहूंगा, जो जरूरी बातें कृपया मुझे कर लेने दीजिए। अगर हमारी काउंसलर्स के 10 नंबर आपके पास है, 10ों अगर व्यस्त जा रहे हैं तो वो सभी 10 नंबर व्हाट्सएप नंबर भी हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप करिए, हो सकता है आपकी कॉल न लगे, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप तो 100% आना ही आना है। अगर आपका व्हाट्सएप हमें मिल गया तो हम तुरंत आपसे संपर्क करेंगे, हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क करेगी, पूछेगी कि क्या समस्या है, उसे दूर करने के लिए तुरंत प्रयास करेगी। इसलिए कोई नई नई चीज जो शुरू हुई है, कृपया करके मैं जिस प्रोसेस से गुजरने की बात कर रहा हूं उससे थोड़ा गुजर जाइए। कमेंट में अपना नंबर छोड़िए, कॉल करिए, कॉल ना लगे तो उन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप करिए, इस तरह से समस्या का समाधान संभव है, ठीक है। बाकी चीजें मैं अपनी तरह से बहुत ही बेहतर रखूंगा। पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर किसी को कोई तकनीकी समस्या झेलनी पड़ रही है तो उसे 100% दूर किया जाएगा, क्लियर। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, सभी लोग पढ़ रखे होंगे। सुनामी 2 शब्द हैं, सु और नामी। सु का अर्थ होता है विशाल, खतरनाक, तेज तरंगें, समुद्र में उत्पन्न होने वाली विशाल तरंगे, और नामी का अर्थ है तटीय क्षेत्र। विशाल तरंगे जो तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ चलती हैं उसे सुनामी कहते हैं, ये विनाशकारी तरंगे होती हैं। सुनामी तरंगे आमतौर पर, पहले सुनामी तरंगों का परिचय दे दें फिर बताएंगे कि उत्पन्न कैसे होंगी। एक क्रम से पढ़ते हैं, समुद्र तट की ओर बढ़ने वाले, तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने वाले विशाल विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। सुनामी तरंगे आमतौर पर इनकी आवृत्ति या इनकी तरंग का आयाम या इनकी ऊंचाई भी कह सकते हैं ज़्यादा नहीं होती है। समुद्री क्षेत्रों में, अगर आप महासागरीय क्षेत्रों के बीच में हैं, किसी जहाज में सफर कर रहे हैं समुद्री क्षेत्र में, आपके जहाज के नीचे से कोई सुनामी लहर अगर ऐसे करके गुजर रही है तो आपको सुनामी का अनुभव नहीं होगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि खुले महासागरीय क्षेत्रों में सुनामी लहरों का आयाम बहुत बड़ा होता है, तरंगों का, है ना, काफी चौड़ी तरंगे होती हैं, वो आपके नीचे से ऐसे करके गुजर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब वही तरंगे तटीय क्षेत्रों की ओर पहुंचती हैं, ये देखिए लिखा है तट, महाद्वीप, महासागर, तो खुले महासागरीय क्षेत्र में इन तरंगों का की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है, है ना, लेकिन जब ये तटीय क्षेत्रों की ओर पहुंचती हैं तो इन तरंगों की आवृत्ति और आयाम बहुत बढ़ जाती है। आवृत्ति और आयाम बहुत ज्यादा तटीय क्षेत्रों में बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि तट छिछला होता है, इसलिए तटीय क्षेत्रों के छिछले समुद्री क्षेत्रों में, तटों पर छिछले समुद्री क्षेत्रों में सुनामी लहरों का तरंग और सॉरी आयाम और आवृत्ति काफी बढ़ जाती है। जहां खुले महासागरीय क्षेत्र में इनकी ऊंचाई अधिकतम 1 मीटर तक हो सकती है, वहीं पर तटीय क्षेत्रों में इनकी ऊंचाई 10 मीटर तक देखी जाती है। और जब ये लहरें तटीय क्षेत्रों में आगे बढ़ती हैं तो विनाश को जन्म देती हैं, घरों, कारों, इंसानों, पशुओं, सबको बहा ले जाती हैं।
यही नहीं, मिट्टी की संरचना में दीर्घकाल में परिवर्तन होता है, क्योंकि ये लवणी पानी है ना, ये साल्टेड वाटर है। ये साल्टेड वाटर जब तटीय क्षेत्रों में पहुंचता है तो मिट्टी को भी खराब कर देता है, वहां की भूमि लंबे समय तक खेती किसानी के लायक नहीं रह जाती है। सुनामी का संबंध किससे है? सुनामी का संबंध समुद्र की तली में आने वाले भूकंप से है। सुनामी का संबंध समुद्र की तली में आने वाले भूकंप से है। समुद्र की तली के नीचे जब भूकंप आता है, आप देखिए ये समुद्र की तली है, समुद्र की तली के नीचे भूगर्भ में यानी मेंटल में भूकंप आया, ये से जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं भूकंप मूल यानी फोकस। और भूकंप का प्रभाव जहां पर सबसे पहले पड़ा, ये देखिए भूकंपी तरंगे चली समुद्र की तली तक पहुंची, जहां पर सबसे पहले इनका प्रभाव पड़ा उसे हम भूकंप केंद्र या भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे एपिसेंटर कहते हैं। तो जब भूकंप मूल से ये तरंगे समुद्र की तली पर जिस बिंदु पर यानी जिस भूकंप अधिकेंद्र से टकराती हैं, तो वहां पर समुद्र की तली में कंपन होता है, बहुत तीव्र कंपन होता है। स्वाभाविक सी बात है, समुद्र की तली में कंपन होगा तो समुद्र की सतह पर भी लहरें उठ चलेंगी, और लहरें समुद्र की सतह पर जब भी बनेंगी तो किधर चलेंगी? तटों की ओर चल देंगी। भूकंप के चलते जब भी समुद्र की सतह पर लहर उत्पन्न होगी तो वह गतिमान हो जाएगी किधर? तटीय क्षेत्रों की ओर। जैसे जैसे ये लहरें तट पर स्थित छिछले सागरीय क्षेत्र में पहुंचती हैं, इन लहरों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। क्लियर? आमतौर पर समुद्र का पानी यहां तक होता है, यहां तक, ये देखिए। लेकिन जब सुनामी आने वाला होता है तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र का जल है वो अचानक से गायब हो जाता है, क्योंकि लहरों की ऊंचाई इतनी ज्यादा बढ़ती है कि समुद्र के पानी को पहले अपनी ओर खींचती है। समझाने के लिए बता रहा हूं, जब किसी तट की ओर सुनामी प्रवाहित होती है तो लहरों की ऊंचाई इतनी ज्यादा बढ़ती है कि समुद्र तट पर जल, समुद्र जल का बिल्कुल पीछे हट जाता है, समुद्र का जल बिल्कुल पीछे हट जाता है और पीछे हटकर ऊपर उठने का प्रयास करता है। यानी अचानक से समुद्र तटीय क्षेत्र पानी से खाली हो जाते हैं। आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, अरे भी तो यहां समुद्र था, कहां गया सारा पानी? वो सारा अचानक से पीछे हट जाता है। जब कभी तटीय क्षेत्रों में समुद्र का पानी अचानक से पीछे हट जाए तो समझ लीजिए कि कोई विनाश आने वाला है ना। अचानक से समुद्र का पानी पीछे हट जाएगा, लगेगा कि अरे तो मछलियां तड़प रही हैं, पानी कहां चला गया। लेकिन अचानक से एक बड़ी लहर फिर आएगी, उसे हम कहते हैं सुनामी। तो सुनामी का संबंध समुद्र की तली में आने वाले भूकंप से है। भूकंप के परिणामस्वरूप समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और तटों की ओर चल पड़ती हैं। वास्तव में सुनामी लहरें उन क्षेत्रों में ज्यादा उत्पन्न होती हैं जहां प्लेटों के मध्य अभिसरण हो रहा है। महासागरीय क्षेत्रों में, महासागरों की तली के नीचे जहां पर प्लेटों के मध्य टकराव, कन्वर्जन यानी अभिसरण की प्रक्रिया चल रही है, वहां पर सुनामी लहरें समुद्र सतह पर ज्यादा उठती हैं। जहां समुद्र की तली के नीचे प्लेटों के मध्य कन्वर्जन हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, वहां समुद्र की सतह पर सुनामी तरंगे अधिक उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटों के अभिसरण के चलते प्लेटों में जब रगड़ उत्पन्न होती है तो उससे समुद्र की तली पर भूकंप उत्पन्न होता है। प्लेटों के अभिसरण के चलते जब प्लेटों में रगड़ उत्पन्न होती है तो समुद्र की तली पर भूकंप उत्पन्न होता है। यही कारण है कि सुनामी लहरें उन्हीं महासागरीय क्षेत्रों में ज्यादा उत्पन्न होती हैं, उन्हीं महासागरीय क्षेत्रों में ज्यादा उत्पन्न होती हैं जहां महासागरों में तली के नीचे दो प्लेटों के मध्य अभिसरण की प्रक्रिया चल रही है। क्लियर? प्रशांत महासागर का पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र, प्रशांत महासागर का पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र भूपटल के दो सबसे बड़े प्लेटों के मध्य अभिसरण क्षेत्र है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पैसिफिक प्रशांत महासागरीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण हो रहा है। वहीं पूर्वी प्रशांत महासागर में पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट के मध्य अभिसरण की क्रिया हो रही है। इसी अभिसरण के परिणाम स्वरूप रगड़ उत्पन्न होती है और भूकंप उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है। इसीलिए प्रशांत महासागर के दोनों तटों को हम क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर का अग्निवलय। इसे हम प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहते हैं, यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये देखिए रिंग है, रिंग ऑफ फायर का मतलब भूकंप से भी है और ज्वालामुखी से भी है। जब हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब प्रशांत महासागर के पश्चिमी
और पूर्वी तटों पर भूकंप और ज्वालामुखी की घटना से है। क्लियर। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है वो भूकंप और ज्वालामुखी का एक साथ क्षेत्र, यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र समुद्र की तली में प्लेटों के मध्य अभिसरण का क्षेत्र है। इसी अभिसरण के सहारे समुद्र की तली में भूकंप उत्पन्न होता है और सतह पर सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। क्लियर। यानी सुनामी ज्यादातर महासागरीय क्षेत्रों में उन महासागरीय क्षेत्रों के नीचे उत्पन्न होती है जहां पर प्लेटों के मध्य अभिसरण हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। यानी आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सुनामी की दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। तो दुनिया में सुनामी की दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्र पश्चिमी प्रशांत महासागर है और उससे संलग्न हिंद महासागर का क्षेत्र। दुनिया में सुनामी की दृष्टि से सबसे खतरनाक यानी संवेदनशील क्षेत्र पश्चिमी प्रशांत महासागर और उससे संलग्न हिंद महासागर का क्षेत्र यानी इंडोनेशिया के आसपास का क्षेत्र। यूरेशियन प्लेट पूर्व में पैसिफिक प्लेट से अभिसरित हो रही है और यूरेशियन प्लेट दक्षिण में इंडियन प्लेट से भी अभिसरित हो रही है ना। इसके चलते इस पूरे क्षेत्र में, और ये पूरा क्षेत्र कैसा है आप देखिए, चाहे पश्चिमी प्रशांत महासागर हो महासागरीय क्षेत्र है और इंडोनेशिया के आसपास का क्षेत्र भी क्या है महासागरीय क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में प्लेटों के मध्य अभिसरण हो रहा है। हमने जो बातें बोली आप वो बहु उसे लिखेंगे, यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर का मग्न ढाल वाला क्षेत्र और उससे संलग्न मतलब उससे जुड़ा हुआ हिंद महासागर का क्षेत्र यानी इंडोनेशिया द्वीप के आसपास का क्षेत्र, ये सभी सुनामी की दृष्टि से संवेदनशील है क्योंकि यहां पर प्लेटें काफी सक्रिय हैं, अभिसरित हो रही हैं। उदाहरण के लिए अब उदाहरण के लिए देखते हैं 26 दिसंबर 2004 का डेट आई थिंक आप में से सबको याद होगा। 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी लहरें उत्पन्न हुई। इसका केंद्र कहां था? सुमात्रा द्वीप के पास था। इंडोनेशिया के दो बड़े द्वीप हैं सुमात्रा और जावा। इंडोनेशिया का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है जो मलेशिया के पास है, यानी विषुवत रेखा के सबसे समीप स्थित द्वीप कौन सा है इंडोनेशिया का? सुमात्रा द्वीप कहते हैं उसे। क्लियर। उत्तर में सुमात्रा है, उसके दक्षिण में जावा है अगर आप मैप में देखेंगे। तो हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी लहरें उत्पन्न हुई। इस सुनामी का केंद्र कहां था, कहां से उत्पन्न हुई थी? सुमात्रा द्वीप के पास से उत्पन्न हुई थी। ये सुनामी लहर का केंद्र कहां था, सॉरी इस सुनामी का कारण क्या था? हिंद महासागर की तली में सुमात्रा द्वीप के पास हिंद महासागर की तली में इंडियन प्लेट और वर्मा प्लेट, यहां पर एक छोटी प्लेट है वर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट के मध्य अभिसरण हो रहा है। सुमात्रा द्वीप के पास समुद्र तली के नीचे इंडियन प्लेट और वर्मा प्लेट के मध्य अभिसरण की क्रिया हो रही है। इस अभिसरण के चलते जो रगड़ उत्पन्न हुई उसके चलते समुद्र की तली में 8.9 रिक्टर स्केल पर, बात कर रहा हूं रिक्टर स्केल पर, 8.9 तीव्रता का भूकंप उत्पन्न हुआ। कितना? 8.9 तीव्रता का भूकंप उत्पन्न हुआ। उस भूकंप से सुमात्रा द्वीप के पास हिंद महासागर में विशाल सुनामी लहरें उत्पन्न हुई। मान लेते सुमात्रा द्वीप यहां पे था, इंडियन प्लेट वर्मी प्लेट के मध्य रगड़ के चलते यहां पर भूकंप आया, सुमात्रा द्वीप के पास हिंद महासागर में लहरें उत्पन्न हुई विशाल और ये समुद्र तट की ओर चल पड़ी। हिंद महासागर के चारों तरफ जितने भी देश थे चारों तरफ चल पड़ी। इस सुनामी लहर से चार देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और भारत। चार देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित देश श्रीलंका था। भारत में तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला सबसे ज्यादा प्रभावित था, वहां पर सबसे ज्यादा लोग मारे थे और जानमाल की सबसे ज्यादा हानि हुई थी। जब सुनामी लहरें तट की ओर जाती हैं तो विस्तृत क्षेत्र में समुद्र का जल बहुत तीव्र गति से अंदर बढ़ता है और जितनी भी वस्तुएं आती हैं उनको पहले बहाता है फिर वापस खींच लेता है, यानी कुछ लोग बह जाते हैं और कुछ लोग समुद्र द्वारा समुद्र में खींच लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक तरंगें होती हैं। एक उदाहरण आपने देखा 26 दिसंबर 2004 का सुमात्रा द्वीप के पास जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी। दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा है 11 मार्च। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ग्यारह मार्च
2011 मार्च 2011 को जापान में, 11 मार्च 2011 को जापान में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता वाला भूकंप आया था जापान के पास समुद्र की तली में। 11 मार्च 2011 को जापान में 9 तीव्रता वाला भूकंप आया जापान के पास प्रशांत महासागर में। ये काफी, यानी हिंद महासागर में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 8.9 थी, ये उससे भी तीव्र भूकंप था। 9 तीव्रता वाले भूकंप के चलते जापान, मान लेते हैं जापान का क्षेत्र है, ये जापान के पूर्वी क्षेत्रों में सुनामी लहरें उत्पन्न हुई और जापान की जो अर्थव्यवस्था थी इस सुनामी लहर से लगभग लगभग उस समय तबाह हो चुकी थी। जापान में ये सुनामी लहरें क्यों उत्पन्न हुई? जापान वास्तव में प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। जापान के समीप ही समुद्र तली के नीचे एक तरफ पैसिफिक प्लेट, दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण की क्रिया हो रही है। इसके चलते प्लेटों में रगड़ के चलते ये पूरा का पूरा क्षेत्र, जापान ही नहीं बल्कि पूरा पश्चिमी प्रशांत महासागर भूकंप और ज्वालामुखी की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। इसलिए जापान में भूकंप आना या सुनामी लहरें उठना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, सामान्य बात है। जापान में साल भर में कई भूकंप आते हैं, इसलिए जापान में मकानों की डिजाइन भी उसी तरह से होती है, हल्की लकड़ियों के बनाए जाते हैं। जापान में भूकंप आना सामान्य बात है, छोटी मोटी सुनामी लहरें भी उठना सामान्य बात है, लेकिन 11 मार्च 2011 का जो भूकंप था और जो सुनामी थी वो मतलब विश्व इतिहास में सबसे तीव्रतम भूकंप का झटका था। अब तक के इतिहास में सबसे तीव्रतम भूकंप का झटका था। कुशल है कि ये समुद्र तली के नीचे था, अगर महाद्वीप पर होता ये भूकंप तो सुनामी तो नहीं आता, लेकिन महाद्वीपों को बहुत ज्यादा झकझोर देता। समुद्र तली के नीचे था, समुद्र का पानी उसे झेल गया, लेकिन जो लहरें समुद्र तट की तरफ बढ़ी उसने जापान को की अर्थव्यवस्था को लगभग लगभग निगल लिया। तो ये अब तक का सबसे तीव्र दर्ज किया गया भूकंप था जापान वाला, क्लियर। तो हमने बताया कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के पूरे क्षेत्र में जापान और ज्वालामुखी, सॉरी भूकंप और ज्वालामुखी और सुनामी कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य बात मानी जाती है, लेकिन ये चूंकि सबसे तीव्रतम था जिससे जापानी अर्थव्यवस्था को काफी ठेस लगी। इतना ही नहीं, इसमें एक दुर्घटना और हुई। जापान में परमाणु रिएक्टर है, परमाणु बिजली बनाई जाती है, एक रिएक्टर का नाम है फुकुशिमा। फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर। यहां पर रिएक्टर क्या होता है? रिएक्टर में यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है, ठीक है, यूरेनियम का दहन किया जाता है उससे बिजली बनाई जाती है। तो फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है कि इस, पहले भूकंप आया, दो दो आपदाएं आई जापान में, पहले भूकंप आया, भूकंप की तरंगें तीव्र होती हैं, तुरंत पहुंच जाती हैं, लेकिन सुनामी की लहरें मंद होती हैं, वो 8-9 घंटे बाद पहुंचती हैं। तो जापान ने पहले भूकंप का अनुभव किया, भीषण भूकंप का अनुभव किया, उस भूकंप के बाद सुनामी लहरें पहुंच गई, तो इसके चलते यहां विनाश बहुत ज्यादा उसमें बचा था। तो फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर जो जापान में था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए भूकंप से तो अंदर क्या है? अंदर न्यूक्लियर ईंधन है, जैसे यूरेनियम। तो यूरेनियम अगर खुले वातावरण में आ जाएगा तो क्या होगा? रेडिएशन शुरू हो जाएगा, उसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन, है ना, परमाणु रेडिएशन कहते हैं या न्यूक्लियर रेडिएशन कहते हैं या रेडियोधर्मी रिसाव कहते हैं, मतलब रेडियोधर्मी रिसाव, रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव रेडिएशन। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन यानी परमाणु से जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक है। अगर परमाणु विस्फोट ना हुआ, केवल विकिरण ही बाहर निकलने लगा, यूरेनियम से आप उसके संपर्क में आ गए तो पहले तुरंत बीमार पड़ जाएंगे, तो खतरनाक विकिरण होता है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन या रेडियो एक्टिव रेडिएशन या हिंदी में रेडियोधर्मी रिसाव। तो फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडियोधर्मी रिसाव शुरू हो गया। इस रिसाव के चलते जापान को विश्व इतिहास में पहली बार परमाणु आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। इसके पहले विश्व इतिहास में एक बार और रेडियो एक्टिव रेडिएशन हो चुका था, वो था
यूक्रेन के चेर्नोबिल में, यूक्रेन के चेर्नोबिल में 18वीं या 19वीं शताब्दी में, यूक्रेन के चेर्नोबिल में सॉरी 20वीं शताब्दी में, यूक्रेन के चेर्नोबिल में 20वीं शताब्दी में, यूक्रेन में चेर्नोबिल नामक एक स्थान है, वहां पर परमाणु रिएक्टर था, तो उसमें भी दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते परमाणु रिसाव शुरू हो गया था, रेडियोधर्मी रिसाव यानी रेडियो एक्टिव रेडिएशन प्रारंभ हो गया था। तो चेर्नोबिल के परमाणु हादसे के बाद सबसे बड़ा परमाणु हादसा फुकुशिमा न्यूक्लियर हादसा था, क्लियर। इसलिए जब भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं होती हैं तो प्रत्यक्ष तो नुकसान पहुंचाती हैं, इंसानों ने इतने तरह के विकास कार्य कर लिए हैं कि जब वो विकास कार्य ध्वस्त होता है तो नुकसान कहीं ज्यादा होता है जानमाल को, ठीक है। तो आपदाएं प्रत्यक्ष तो प्रभावित करती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारा नुकसान लेके आती हैं। सवाल है कि क्या सुनामी चेतावनी प्रणाली हमारी दुनिया विकसित की गई है? तो भूकंप की तरंगें चूंकि बहुत तीव्र पहुंचती हैं इसलिए भूकंप की चेतावनी प्रणाली विश्व में उतनी कारगर नहीं है, क्योंकि जब तक चेतावनी दी जाएगी भूकंप की तरंगें उससे पहले ही पहुंच जाती हैं। लेकिन सुनामी लहरें चूंकि समुद्र में धीरे धीरे तटों की ओर प्रवाहित होती हैं इसलिए सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित करना आसान है, क्लियर। कैसे? एक तकनीक है जिसे हम डार्ट कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है डीप ओशन असेसमेंट असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ये एक तकनीक है, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी यानी डार्ट। एक क्या है इसे हम डार्ट कहते हैं हिंदी में, सुनामी चेतावनी प्रणाली है। डार्ट क्या है? एक सुनामी चेतावनी प्रणाली है। एक ऐसी तकनीक है जो पहले समुद्र की तली में भूकंप का पता लगाती है, समुद्र की तली में अगर कोई भी भूकंप आया तो उसको भांप लेगी, वहां एक मशीन लगा रहता है समुद्र की तली में, समुद्र की तली में भूकंप की जानकारी प्राप्त करती है ये तकनीक, और उसके बाद जहां भी सुनामी लहरें पहुंच सकती हैं चारों तरफ वहां पे सूचनाएं भेज देती है। यानी पहले समुद्र की तली में भूकंप का और उसके परिणाम स्वरूप आने वाले सुनामी का पता लगाती है और जहां भी सुनामी की तरंगें पहुंच सकती हैं उनको सूचना भेज देती है। डार्ट के दो हिस्से होते हैं, एक सुनामीटर, डार्ट के दो भाग हैं, एक है सुनामीटर, आपको जानना चाहिए ये, आपको न केवल प्रीलिम के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा के लिहाज से ये चीजें जाननी चाहिए कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है। जैसे देखिए एक सुनामीटर होता है, दूसरा है सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटर सॉरी कम्युनिकेशन डार्ट के दो भाग हैं, सुनामीटर सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण। सुनामीटर क्या करती है? समुद्र की तली में भूकंप की तीव्रता मापती है कि समुद्र की तली में किस भूकंप की किस तीव्रता का भूकंप आया है, भूकंप का पता लगाता है। और यह सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण है, ये सुनामी से प्रभावित होने वाले तटीय क्षेत्रों में सूचनाएं भेज देती है। यह भूकंप समुद्र की तली में आने वाले भूकंप का पता लगाया और सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण इसने क्या किया, सुनामी से प्रभावित होने वाले खतरे के संभावित क्षेत्रों में सूचनाएं भेज देता है। ये दोनों उपकरण एक खास केंद्र से जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं सुनामी वार्निंग, मतलब चेतावनी, सुनामी वार्निंग सेंटर, सुनामी चेतावनी केंद्र। ये दोनों उपकरण सुनामी चेतावनी केंद्र से जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी जैसे ही समुद्र की तली में किसी भूकंप का पता चलता है तो तरंगों की सूचनाएं तुरंत कहां पहुंच जाती हैं, जैसे ही समुद्र की तली में किसी हलचल का पता चलता है, कंपन का पता चलता है, तो उस तरंगों की सूचनाएं तुरंत सुनामी वार्निंग सेंटर से पहुंच जाती हैं। सुनामी वार्निंग सेंटर उपग्रह से जुड़ा होता है, सैटेलाइट से जुड़ा होता है, यानी नेटवर्क के माध्यम से ये सैटेलाइट से जुड़ा है। सुनामी वार्निंग सेंटर इस सूचना को भेज देता है
संचार उपग्रह को, और संचार उपग्रह उस सूचना को सभी क्षेत्रों में फैला देता है, क्योंकि संचार उपग्रह का काम ही है संचार करना। तो ये उस सूचना को तत्काल संभावित खतरे के क्षेत्रों में तुरंत भेज देता है। हमारे जो वर्तमान सुनामी चेतावनी जो सिस्टम है, वर्तमान जो सुनामी चेतावनी सेंटर कह लें या सुनामी चेतावनी उपकरण कह लें या वर्तमान सुनामी चेतावनी सिस्टम कह लें, ये जो सिस्टम है ये किसी प्रभावित क्षेत्र में, समुद्र तटीय क्षेत्र में जो सुनामी से प्रभावित हो सकता है, वहां आमतौर पर 8 घंटे पहले चेतावनी भेजता है। हालांकि ये भी कम है, 8 घंटे में पर्याप्त तैयारियां संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इतना संभव है कि सुनामी किसी क्षेत्र में सुनामी आने से पहले 8 घंटे पहले उसकी सूचना लगभग मिल जाती है। क्लियर। भारत के भूकंपी क्षेत्र और प्रबंधन, अब देखते हैं भारत में जो भूकंपी क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। भारत में भूकंपी जोन का जो वर्गीकरण किया गया है, भूकंपी क्षेत्रों का वर्गीकरण, उसे हम बाद में देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं भारत में भूकंप की दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। भारत में भूकंप की दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र है, यानी भारत में जो हिमालय पर स्थित राज्य हैं वो भूगर्भिक दृष्टि से सबसे ज्यादा अस्थिर है। केवल हिमालय ही नहीं बल्कि उसके आसपास का क्षेत्र भी, जैसे हिमालय और उससे सटा हुआ जो उत्तर भारत का मैदान है, भाई हिमालय पे भूकंप आएगा तो उससे सटे हुए उत्तर भारत के मैदान में भी भूकंप आएगा, यानी हिमालयी राज्य, हिमालय पर स्थित राज्य और उससे सटे हुए उत्तर भारत के जो मैदानी राज्य हैं वो भूकंप की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र हैं। यानी हिमालय और आसपास का क्षेत्र भूगर्भिक संतुलन की दृष्टि से बहुत ज्यादा अस्थिर है, यानी यहाँ पूरा हिमालय और आसपास का क्षेत्र भूगर्भिक संतुलन की दृष्टि से अस्थिर है, यानी ये क्षेत्र भूगर्भिक रूप से अस्थिर है, यहाँ कभी भी स्थिरता को झटका लग सकता है। क्यों? क्योंकि हिमालय के नीचे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है। जब भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होती है, आगे बढ़ती है, तो चट्टानों में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। चट्टानों में अस्थिरता उत्पन्न होने के चलते, रगड़ उत्पन्न होने के चलते हिमालय का क्षेत्र थर्रा उठता है। भूकंप की जो लहरें हैं, भूकंप की तरंगे भूपटल की तरफ चल देती हैं। भूकंप कहाँ उत्पन्न होता है? भूगर्भ में, मेंटल में उत्पन्न होता है। वहां से उत्पन्न होने के बाद सुनामी लहरें चल पड़ती हैं किधर? भूसतह की तरफ, और ऊपर जहां पे सबसे पहले टकराएंगे उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर, यानी भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से, हिमालय और आसपास का मैदानी क्षेत्र भूगर्भिक रूप से अस्थिर है, भू संतुलन की दृष्टि से अस्थिर है, क्योंकि इस क्षेत्र के नीचे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है। जब भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होने का प्रयास करती है तो भूगर्भिक चट्टानों के असंतुलन और उत्पन्न रगड़ के चलते ये पूरा क्षेत्र थर्रा उठता है। यानी हिमालय क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा और सबसे विनाशकारी भूकंप आने की संभावना है। भारत में हिमालय और आसपास के क्षेत्रों में ही सबसे विनाशकारी और सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना है। हिमालय जिस कैटेगरी का भूकंप क्षेत्र है उसी कैटेगरी का अंडमान निकोबार द्वीप भी है। आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि न केवल हिमालय बल्कि पूरा अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो भी भूकंप जोन 5 में स्थित है। भूकंप जोन 5 यानी सिस्मिक जोन 5 में जो भी क्षेत्र स्थित हैं वो भूकंप आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं। क्लियर। तो यहां पर सदी के सबसे विनाशकारी भूकंप आए हैं, कई भूकंप आए हैं जिनमें से दो भूकंपों की चर्चा करना उल्लेखनीय है। पहला है हिमालय क्षेत्र में, पहला है सितंबर 2011, कौन सा भूकंप आया? सिक्किम। सितंबर 2011 को सिक्किम भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 6.7 थी। तीव्रता रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.7 थी। इसके अलावा एक ताकतवर भूकंप कब आया था? 25 अप्रैल को आया था। 25 अप्रैल को जो भूकंप था वो बहुत ही अजीबो गरीब था। 25 अप्रैल को ही नहीं आया, 25 अप्रैल को तो इसकी शुरुआत आई हुई, 26 अप्रैल को भी आया, 27 अप्रैल को भी आया, थोड़ा बहुत 28 अप्रैल को भी आया। मतलब 3-4 दिन पूरा का पूरा जो नेपाल था वो हिलता रहा। सबसे ताकतवर जो आया था वो 25 अप्रैल को था, 25 अप्रैल 2015। तो ये दोनों भूकंप हिमालय क्षेत्र में आए थे, एक सिक्किम भूकंप और दूसरा नेपाल भूकंप।
नेपाल भूकंप की तीव्रता 7.8 थी रिक्टर स्केल पे, सिक्किम भूकंप की 6.7, नेपाल भूकंप की 7.8, ये 25 अप्रैल को आया था। नेपाल भूकंप का केंद्र कहाँ था? ये सबसे विनाशकारी था भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले भूकंपों में से, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक जितने भूकंप आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप था ये, जो ज्ञात भूकंप है। इसकी तीव्रता 7.8 थी। इसका केंद्र काठमांडू से 38 किलोमीटर दूरी पर लामजुंग, भूकंप केंद्र मतलब भूकंप अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर, ये ग है, इसको ग पढ़िएगा, ठीक है। इसका केंद्र काठमांडू से 38 किलोमीटर दूर लामजुंग नामक स्थान था, उसमें पेपर में छपा हुआ था। इसने क्या किया कि नेपाल को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। लगभग 7,000 से 8,000 लोग इसमें मारे गए थे और आर्थिक क्षति की कोई गिनती नहीं थी उस समय। तो हिमालय क्षेत्र में जो हम मानव बस्तियां बसाते हैं, सड़क पुल का निर्माण करते हैं, बांधों का निर्माण करते हैं, परिवहन साधनों का विकास करते हैं, ये बहुत ही सोच समझ कर किया जाना चाहिए। ये कोई खिलवाड़ नहीं है कि हिमालय जो कि भूकंप जोन 5 में स्थित है वहां पे अवैज्ञानिक तरीके से बिना भूगर्भिक चट्टानों का अध्ययन करे अगर आप मानव बस्तियां बसाएंगे, बिना भूकंपरोधी तकनीक भूकंपरोधी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किए बहुमंजिला इमारतें बनाएंगे आसपास के क्षेत्रों में, वहां पर बिना भूगर्भिक चट्टानों का अध्ययन किए भूकंपरोधी तकनीक का इस्तेमाल किए बांध का निर्माण करेंगे तो जनधन को हानि होगी। इसलिए हम कहते हैं कभी कभी इंसानों की सूझबूझ के अभाव के चलते भी भूकंप आ जाता है। अगर इंसानों में सूझबूझ होगी, भूगर्भिक चट्टानों का अध्ययन करेंगे, भूकंपरोधी तकनीक का इस्तेमाल करके पुल सड़क और बांध बनाएंगे तो भूकंप आपदा से आने वाली से होने वाली जान माल की जो क्षति होती है उसको कम किया जा सकता है। लेकिन वो सूझबूझ के विकास को वैज्ञानिक मानदंडों पर होना चाहिए। जब भी हम प्रकृति की अवहेलना कर देंगे, अंधा होकर विकास कार्य करेंगे तो आपदा आनी तय है। तो आमतौर पर हिमालय और आसपास का क्षेत्र ही भूकंप की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जबकि पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत का जो भूखंड है यह भूगर्भिक रूप से स्थिर समझा जाता है, भूगर्भिक रूप से संतुलित समझा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का जो भूखंड है यह भूगर्भिक संतुलन की दृष्टि से इसे स्थिर समझा जाता है, क्योंकि भूकंप का संबंध ज्यादातर प्लेट किनारों से है और प्लेट किनारा कहाँ है? हिमालय के नीचे है, क्योंकि ये इंडियन प्लेट के बीच का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है इंडियन प्लेट के मध्य में आता है, इसलिए माना जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वो भूगर्भिक संतुलन की दृष्टि से स्थिर है। लेकिन भारतीयों की इस सोच को धक्का लगा, प्रायद्वीपीय भारत का पठार भू संतुलन की दृष्टि स्थिर है, इस मिथक को धक्का लगा। कब धक्का लगा? 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आ गया। महाराष्ट्र का जो लातूर था इंडियन प्लेट के बीचों बीच स्थित है। लातूर भूकंप के बाद प्रायद्वीपीय भारत का पठार भूगर्भिक रूप से स्थिर है, इस सोच को या इस मिथक को गहरा धक्का लगा। इसके बाद यह माना जाने लगा कि भारत का कोई भी क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, यानी भारत का कोई भी क्षेत्र भूकंप रहित नहीं है, कहीं भी आ सकता है। इसका कारण यह माना गया कि प्लेट किनारों पर तो दबाव के चलते, और जब ऊर्जा लंबे समय काल में दो प्लेटों में दबाव होता है ऊर्जा संचित होती है, और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो प्लेट किनारों पर भूकंप आ जाता है। लेकिन माना जाता है कि यहां पर जो अभिसरण के चलते जो दबाव हो रहा है उसका प्रभाव ऊर्जा तरंगे यहां पर भी संचित होती रहती है। इंडियन प्लेट को देखिए, आप पठार को मत देखिए, पठार के नीचे क्या है? इंडियन प्लेट है। यहां पर अभिसरण के परिणाम स्वरूप इंडियन प्लेट के अंदरूनी भागों में भी ऊर्जा तरंगे संचित होती रहती हैं, है ना। जब आप दबाव लगाते हैं तो केवल दबाव यहीं पे नहीं काम करता है, पीछे के भागों पे भी वो दबाव काम करता है ना। जो किनारे हैं वहां पे भी तो दबाव काम करता ही है, पीछे के भागों पे भी दबाव काम करता है। तो इंडियन प्लेट के आंतरिक भागों में भी ऊर्जा तरंगे संचित होती हैं, और जब कभी ये ऊर्जा तरंग बाहर निकलने का प्रयास करती है तो भ्रंश घाटियों का निर्माण हो जाता है, रिफ्ट वैली का निर्माण हो जाता है, यानी भ्रंश का निर्माण हो जाता है, प्लेटों में भ्रंशन उत्पन्न हो जाता है, दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। और जब दबाव के चलते प्लेटों में जो दरारें उत्पन्न हुई, जो भ्रंश उत्पन्न हुए, उन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है। लातूर 1993 में जो लातूर भूकंप आया था वो इंडियन प्लेट में उत्पन्न हुए भ्रंश यानी रिफ्ट का परिणाम था, दरार का परिणाम था, क्लियर। तो अच्छा, अभी तक तो हमने ये कहा, देखा कि इंडियन प्लेट के अंदरूनी भागों में भी भूकंप आ सकता है।
आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये जो भुज भूकंप कब आया था, गुजरात के भुज में भूकंप 2001 में आया था, भुज भूकंप भी क्या इंडियन प्लेट के आंतरिक भागों में आया था? नहीं, ये भुज यानी गुजरात का जो कच्छ का रन है, गुजरात में कच्छ का रन का जो इलाका है, ये भूकंप जोन यानी सिस्मिक जोन 5 में पड़ता है। कच्छ का रन वाला क्षेत्र भूकंप जोन यानी सिस्मिक जोन 5 में आता है। ये इसलिए यहां पर भूकंप आया था क्योंकि ये भूकंप के सर्वाधिक संभावित क्षेत्रों में से एक है। भारत में भूकंप के सर्वाधिक संभावित क्षेत्रों में से कच्छ का रन एक है और कच्छ के रन वाले क्षेत्र में ही भुज स्थित है। तो भारत के सर्वाधिक भूकंप प्रभावित, भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित होने के कारण 2001 का भुज भूकंप आया था। इसके अलावा कई बार मानवीय क्रियाकलापों से भी भूकंप उत्पन्न हो जाता है। मानवीय क्रियाकलापों से कैसे भूकंप आ सकता है? इंसान में क्या इतनी ताकत है भूकंप ला दे? नहीं, इंसान तकनीक से लैस है। तकनीक से लैस होकर इंसान अनियंत्रित और अंधाधुंध विकास कार्य करता है, अपने हितों की पूर्ति के लिए ऐसे ऐसी संरचनाएं खड़ी करता है जिससे जो कि प्रकृति के विरोधी होती हैं, जो प्रकृति से सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाती। जैसे अगर इंसान ऐसे सतह पर बड़े बांध उत्पन्न कर देता है पर्वतीय क्षेत्रों में, एक तो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में जब आप बड़ा बांध बनाते हैं नदी का पानी रोककर, तो विशाल जलराशि को आप इकट्ठा कर देते हैं। उस विशाल जलराशि का दबाव भूपटल पर पड़ता है, भूपटल के नीचे चट्टानों पर पड़ता है, यानी कई सैकड़ा वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपने पानी का संचयन कर दिया है। वो पानी क्या करता है, भूपटल की भूगर्भिक चट्टानों पर दबाव बनाता है। बांध क्या करते हैं, संतुलन मूलक बल उत्पन्न करते हैं, यानी भीतर की चट्टान अगर अस्थिर है तो उसे स्थिर कर दिया, हिलने ही डुलने नहीं देगा। मान लेते हैं ये भूपटल है, भूपटल के नीचे की अगर चट्टान स्थिर है तो उसे स्थिर बना दिया। अगर किसी भी हिलते डुलते वस्तु पर दबाव डालेंगे तो स्थिर हो जाएगा कि नहीं, बताइए? कोई वस्तु अगर हिल डुल रही है उस पर आप बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे तो स्थिर हो जाएगा। तो बांध क्या करते हैं, बांध स्थिरता उत्पन्न करते हैं, संतुलन मूलक बल उत्पन्न करते हैं, संतुलित कर देते हैं। तो अगर भूगर्भिक चट्टान अस्थिर है, अस्थिर होने का प्रयास कर रही है लेकिन अस्थिर हो नहीं पा रही है, तो वहां पर ऊर्जा लंबे समय तक संचित होती रहती है। कब तक? जब तक कि वो ऊपर भूपटल को बिल्कुल हिला न दे, जब तक कि ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त न हो जाए। तो बड़े बांध जो होते हैं भूपटल को संतुलित कर देते हैं, इसके चलते अगर भूगर्भिक हलचल है तो ऊर्जा लंबे समय तक संचित होती रहती है, और जब कभी यह ऊर्जा अचानक से मुक्त होती है तो सतह पर भूकंप आता है, बांध टूट सकता है, भूकंप के साथ बाढ़ भी आ सकती है। जैसे महाराष्ट्र में कोयना में 1967 में भूकंप आया था। महाराष्ट्र में कोयना में क्या है, बांध है, महाराष्ट्र में कोयना में बांध है। तो महाराष्ट्र में कोयना में 1967 में जो भूकंप आया था वो बांध निर्माण के चलते भूपटल की चट्टानों पर जो दबाव पड़ा था उसके चलते आया था। क्लियर? यानी तीन श्रेणियों के भूकंप आपने देखे, लातूर भूकंप भ्रंश रेखा के सहारे इंडियन प्लेट पर दबाव पड़ा, भ्रंश रेखा का निर्माण हुआ इंडियन प्लेट में, उसके सारे भूकंप आ गया। 2001 का भुज भूकंप जोन 5 में स्थित है कच्छ का रन, इसलिए आया। जबकि कोयना 1967 का जो कोयना भूकंप था वो बांध निर्माण के चलते आया था। क्लियर? तो इंसान जो विकास कार्य करता है, चाहे बांध बनाए, चाहे सड़क पुल रेल मार्ग का निर्माण करे, ये निर्माण कार्य करते समय भूगर्भिक चट्टानों का अध्ययन करना चाहिए। इंसान द्वारा किया जाने वाला निर्माण कार्य वैज्ञानिक मानदंडों पर होना चाहिए, भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करके होना चाहिए, यानी किसी भी तरह का निर्माण कार्य नियोजित होना चाहिए, अनियोजित और अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। जब भी अनियंत्रित और अनियोजित विकास कार्य होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बना दो, पुल बना दो, बांधों का निर्माण कर दो, तो उसे दो तरह की खतरा हमेशा रहेगा, भूकंप भी आ सकता है, और चूंकि पहाड़ी ढाल है तो पहाड़ी ढाल नीचे की तरफ सरक सकता है। अगर पहाड़ का जो ढाल है नीचे की तरफ सरक गया तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन कहते हैं। तो भूकंप और भूस्खलन, जब पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप आता है तो भूस्खलन की भी संभावना बढ़ जाती है, यानी पहाड़ का विशाल ढाल नीचे की तरफ सरक सकता है। ऐसे में जो नीचे बस्तियां हैं, है ना, आपने देखा होगा गंगटोक क्या है, पहाड़ी ढाल के नीचे बसा हुआ है। अगर गंगटोक के चारों तरफ पहाड़ी ढाल नीचे सरक जाए तो गंगटोक क्या होगा, चट्टानों से दब जाएगा। तो
पहाड़ी ढाल जब नीचे की तरफ सड़कता है तो सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, छोटी मोटी बस्तियां दब सकती हैं, बड़ी मात्रा में पहाड़ी ढाल नीचे सरक जाएगा, चट्टान नीचे सरक जाएंगे, नीचे कोई जलाशय होगा तो जलाशय का पानी बाहर निकल आएगा, बाढ़ भी आ सकता है, यानी भीषण आपदा मच सकती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पुल निर्माण, बांधों का निर्माण नियोजित होना चाहिए, भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करके ही ऐसा विकास कार्य किया जाना चाहिए, अन्यथा भूकंप के साथ साथ भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती हैं। और हाल के वर्षों में जैसे जैसे हिमालय और पश्चिमी घाट में यातायात के साधनों वगैरह का विकास हुआ है, भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ी हैं। भारत में एक विशेष तरह की समस्या पाई जाती है। ऐसा नहीं कि भूकंप केवल भारत में ही आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी भारत में भूकंप आता है, हिमालय क्षेत्र में भूकंप आएगा या भूस्खलन होगा, भारत में भूस्खलन या भूकंप के चलते जान माल की जो क्षति होती है उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि भूकंप केवल भारत में ही आता है, लेकिन भारत में ये एक विशेष तरह की समस्या है। क्यों? क्योंकि भारत में भूकंप के संदर्भ में भी जो सुरक्षा उपाय है उसे लागू नहीं किया जाता है। भारत में सुरक्षा उपाय के संदर्भ में जागरूकता भी नहीं, उसे लागू करने वाली एजेंसियां नहीं है। जैसे जापान में प्रत्येक साल भूकंप आता है, प्रत्येक साल जापान में सैकड़ों भूकंप भी आ सकते हैं, लेकिन जापान में जानमाल को उतनी क्षति नहीं पहुंचती, जापान में भूकंप उतनी बड़ी आपदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जापान में जो निर्माण कार्य है वहां आने वाले भूकंप को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे भवन निर्माण में हल्की लकड़ियों का प्रयोग किया जाना, अगर वो गिर भी गया तो उसे जानमाल को उतनी क्षति नहीं होती, फिर से उसे खड़ा कर दिया जाता है। इसी तरह से वहां सुरक्षा उपाय लागू किया गया है, यानी मकानों के निर्माण की जो इंजीनियरिंग है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन निर्माण की इंजीनियरिंग को ध्यान में रखना चाहिए भूकंप आपदा की दृष्टि से। ये नहीं कि वो भूकंप आपदा का क्षेत्र है, भूकंप संभावित क्षेत्र है और आप 50 मंजिला बिल्डिंग खड़ा कर रहे हो जैसे। और भारत में क्या है कि सुरक्षा उपाय नहीं है, जैसे कि भवन निर्माण तकनीक में यहाँ भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब यहाँ पर मान लेते हैं नगर निगम को अथॉरिटी दी जा सकती है कि जब लोग भवन निर्माण करें तो अनिवार्य बना दिया जाए कि भवन निर्माण करने से पहले नगर निगम में जाकर भूकंप रोधी तकनीक का प्रमाण पत्र प्राप्त करो। नगर निगम भूकंप रोधी तकनीक का प्रमाण कब प्रदान करेगा? जब देखेगा कि आप मकान जो बना रहे हैं उसमें भूकंप रोधी इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जा रहा है, यानी आपका भवन निर्माण ऐसी इंजीनियरिंग से किया जा रहा है कि भूकंप आएगा भी तो आपका मकान ढहेगा नहीं, जानमाल को क्षति नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ नगर निगम को ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है। ऐसी अथॉरिटी बहुत से देशों में है, जैसे आप कैलिफोर्निया क्षेत्र को देखिए। कैलिफोर्निया क्षेत्र संरक्षित प्लेट किनारे के ऊपर स्थित है, यानी प्लेटें अगल बगल सरक रही हैं, संरक्षित प्लेट किनारा है, यहाँ पर रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। ऐसे भ्रंश को यहाँ क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। क्या बोलते हैं उसे? सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो यहाँ पर लॉस एंजलिस शहर है, कैलिफोर्निया में कौन सा शहर है? लॉस एंजलिस। ये वास्तव में ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के आसपास है, इसके चलते सैन एंड्रियास भ्रंश के आसपास है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में भूकंप के बहुत ही भीषण झटके आते हैं, भूकंप की सबसे भीषण तबाही संभावित क्षेत्र ही है, सर्वाधिक रिक्टर स्केल पर सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र, सबसे तीव्रता वाला क्षेत्र लॉस एंजलिस का क्षेत्र है। यहाँ पे भीषण भूकंप आते हैं, लेकिन लॉस एंजलिस में बहुमंजिला इमारतें भी खड़ी हैं। दरअसल यहाँ की इमारतों में भूकंप रोधी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। जब भूकंप आता है तो लॉस एंजलिस की इमारतें हिलती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ढहती नहीं है। वहीं भारत में लॉस एंजलिस में रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता का भी भूकंप आ जाए तो इमारत वहां हिलेगी लेकिन ढहेगी नहीं। वहीं भारत में किस्सा क्या है? मुंबई दिल्ली जैसे जो विशाल शहर है, यहाँ के महानगर मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में जहां बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, वहां अगर 5 तीव्रता का भी भूकंप आ जाए तो विनाश, मतलब 5 कम बोल दिया, अगर 6 तीव्रता का भी भूकंप आ जाए तो विनाश हो जाएगा, पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। यानी चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर जो निर्माण कार्य हो रहा है, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है, जिनमें है ना, जिनमें जो कि देसी और मल्टीनेशनल वाणिज्यिक कंपनियां काम कर रही हैं, जिन पर देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग टिका हुआ है, ये सभी कंपनियां एक ऐसी बहुमंजिला इमारतों में काम कर रही हैं जो भूकंप रोधी नहीं है। अगर वहां 6 रिक्टर तक का भी भूकंप आ जाता है तो सभी देखते ही ढह जाएंगे, जो और
जानमाल की व्यापक क्षति होगी। तो वास्तव में भारत में भूकंप रोधी तकनीक के इस्तेमाल की जरूरत है। भूकंप के संदर्भ में जागरूकता तो है ही, साथ ही यहां पर भूकंप के संदर्भ में सुरक्षा उपाय को लागू करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक तरफ अब हम तेजी से विकास करते जा रहे हैं, लेकिन आपदा के संदर्भ में सुरक्षा उपाय हमारे पास नहीं है। होना क्या चाहिए? यहां पर जो भी विकास कार्य है, जो भी भवन निर्माण कार्य है, भूमि उपयोग के संदर्भ में प्लानिंग की जानी चाहिए, नियोजन होना चाहिए। विकास कार्य, भवन निर्माण कार्य और भूमि उपयोग, मतलब भूमि उपयोग क्या होता है? अरे भूमि उपयोग मतलब खेती कर रहे हो कि बहुमंजिला इमारत बना रहे हो? अगर खेती कर रहे हो तो भूकंप आपदा से कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर बहुमंजिला इमारत बना रहे हो तो देखना पड़ेगा कि कहीं ये भूकंप संभावित क्षेत्र नहीं है। तो यानी भूकंप संभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य, विकास कार्य और भूकंप आपदा वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह के निर्माण कार्य, विकास कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि यहां पर इस तरह का विकास कार्य होना चाहिए या नहीं, ठीक है। और किसी भी तरह का भवन निर्माण कार्य वहां पर नियोजित होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए। जैसे भूकंप आपदा वाले क्षेत्रों में भवन निर्माण करने से पहले, भवन निर्माण कार्य करने से पहले नगर निगम को अनिवार्य कर देना चाहिए कि पहले वो नगर निगम में जाकर भूकंप रोधी प्रमाण प्राप्त करें, है ना। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आपदा से हम लोग बच सकते हैं। हाँ, ये हो गया आपका सुनामी और भारत के भूकंप संभावित क्षेत्र प्रबंधन। एक चीज और इसमें मैं बता दूं कि भारत में पहले 5 भूकंप जोन होते थे। इसमें बहुत ज्यादा अध्ययन की वस्तु नहीं, रटने की वस्तु है। भारत में पहले 5 भूकंप जोन होते थे, अब उसे घटाकर 4 कर दिया गया। भूकंप जोन 1 इसको खत्म कर दिया गया है। अब 2, 3, 4 सॉरी इसे 2 कर दूं, 2 भूकंप जोन, 1 मिनट। पहले भारत में भारत के भूकंपी क्षेत्रों को, यानी भारत को 5 सिस्मिक जोन में बांटा गया था, क्लियर। 2010 के बाद से भारत के भूकंपी क्षेत्रों को ये जोन 2 है। 2005 के बाद से भारत के भूकंपी क्षेत्रों को, यानी भारत को 4 सिस्मिक जोन में बांट गया, जोन 2, 3, 4 और 5। इसमें से अध्ययन करने वाला जोन 5 है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हिमालय पर स्थित जो राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत, गुजरात में कच्छ के रण का क्षेत्र, अंडमान निकोबार और उत्तरी बिहार, ये उत्तरी बिहार को ले लीजिए। फिर से बता दूं, भूकंप जोन 5 जो कि भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? पहला, हिमालय पर स्थित राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कुछ भाग, उत्तराखंड, पूरा पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी बिहार का क्षेत्र, गुजरात में कच्छ के रण का क्षेत्र और अंडमान निकोबार का क्षेत्र, ये सिस्मिक जोन 5 में स्थित है, यानी भूकंप की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील है, क्लियर। भूकंप सुनामी खत्म हो गई, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी क्रिया का, ज्वालामुखी का कारण, ज्वालामुखी स्थलाकृतियों का, ज्वालामुखी की परिस्थितियों का। ज्वालामुखी प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है और मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ज्वालामुखी का अध्ययन करने के बाद लगभग जो भू आकृतिक विज्ञान है वो आपका समाप्त हो चलेगा और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हम प्रवेश कर चलेंगे वायुमंडल वाले अध्याय में। लेकिन डोंट वरी, भौतिक भूगोल में जो भूआकृतिक विज्ञान है, यानी जो महाद्वीपों का अध्ययन है, अब उसमें प्रीलिम के लिहाज से काफी कुछ अभी पढ़ना है। तो पहले हम प्रीलिम के लिहाज से पूरा भूआकृतिक विज्ञान पढ़ लेंगे, उसके बाद तब हम वायुमंडल और समुद्र विज्ञान में चलेंगे। लेकिन अब तक मैंने जो पढ़ाया उसका प्रीलिम के लिहाज से भी अध्ययन करना जरूरी है, जैसे आर्थिक भूगोल, है ना। आर्थिक भूगोल में कृषि, उद्योग, खनिज, यातायात दुनिया में, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, कृषि, खनिज, उद्योग, यातायात यानी परिवहन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल का भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे प्रीलिम परीक्षा के लिहाज से, तब हम प्रवेश करेंगे वायुमंडल में, फिर समुद्र विज्ञान में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।